दोस्तों फाइनली शॉप मिल गई है और गया है गोलू सामान लेने के लिए। ये क्या रे, ट्रैफिक इतना दुखी करता है ना, जहाँ देखो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों कल हम लोग आए थे हल्द्वानी, मन्नू को छोड़ने के लिए आए थे हम लोग। तो कल पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था रात को ना, तो फिर हम लोग सो गए थे, ठंडा भी बहुत हो रहा था। और अभी भी भाई मौसम इतना खतरनाक है यहाँ पर ना, धूप ही नहीं आई है सुबह से, देखो बिल्कुल भी धूप नहीं आई है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं पहाड़ की तरफ, तो अभी तो सिर्फ गोलू और मैं ही हैं। सुबह से हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ पे भाई ठंडा इतना ख़तरनाक हो रहा है ना, बाहर पूछो मत। मतलब अपना पहाड़ यार हर चीज़ में बेस्ट है। मैंने घर फ़ोन किया था ना, तो मम्मी बता रही है धूप वहाँ पर सुबह ही आ गई है। और यहाँ पर मौसम देखो क्या हाल है। तो चलो चलते हैं घर की तरफ। और यार जो भी है ना, अपने पहाड़ में ही सही यार, यहाँ पे तो मज़ा ही नहीं आ रहा था लो बिल्कुल भी। पहले हमारा बहुत कुछ प्लान था, हम लोग बाइक देखने भी जाने वाले थे, वो भी प्लान कैंसिल हो गया। अब हम लोग सीधा घर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना लेट करेंगे भाई ठंड इतनी है और शाम को कोहरा पड़ जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं है रात में निकलने का। तो टाइमली घर पहुँचेंगे हम लोग। तो अभी का सीन ऐसा है, हम लोग जाएंगे यहाँ पर ना एक पैथोलॉजी लैब है, जहाँ पर रिंकू की लैब का सामान मिलता है, तो उसका वो सामान लेके उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। उसका फ़ोन आया था कि यार लेते हुए आना करके, तो उसका सामान उठाते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। ये क्या रे, ट्रैफिक इतना दुखी करता है ना, जहाँ देखो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। भी आगे है, एक पेट्रोल पंप आगे भी है, वहां दिखा रहा है। यही है, चलो चलो आगे है, ये आ गया ना पेट्रोल पंप, आ गया ये के 50 मीटर। कहाँ कह रहा है, थायरो के है। कहीं दिख रहा है थायरो के है। थायरो ये रहा, थायरो गियर सामने है। इसके हाँ। तो दोस्तों फाइनली शॉप मिल गई है और गया है गोलू सामान लेने के लिए। काफी टाइम बाद यार बड़ी मुश्किल से दुकान मिली भी है, पता नहीं कहाँ सामान रखवाया हुआ है। तो फटाफट यहाँ से सामान लेते हैं और निकलते हैं उसके बाद। खोलो तो अपने आप रुक जाता होगा जो। तो दोस्तों हल्द्वानी से निकलने के बाद अभी हम लोगों ने रास्ते में एक ब्रेक लिया था यहाँ पे, तो बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है। एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो नीचे पूरी नदी है और ये कैंपिंग लोकेशन भी है यहाँ पे, आगे जाके कैंप साइट है बहुत सारी। तो हल्द्वानी से ना करीब 35 किलोमीटर ऊपर आने के बाद ये जगह है। चलें, चलो चलो चलते हैं। फाइनली मैं घर पर पहुंच गया हूं और बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है यार, और पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया घर में, मम्मी लोग सब बैठे हुए हैं आग वाग जला के। तो चलो हम लोग भी चेंज वेंज करते हैं और इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय।